अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आपका दोस्त आपका शेख उस्मान हूं, मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद शहरयार। जी जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, हेल्थ होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। वॉल्यूम उस्ताद जी तेज ही हो सी, टेंशन नहीं लेनी, वो मेरी जिम्मेदारी वॉल्यूम तेज करने दी। ठीक हो गया, तो बाकी सब खैर की है। आज पंजाबी से पूछ लीजिए। नहीं, अच्छी बात है, कभी कभी पंजाबी आनी चाहिए, बिल्कुल पंजाबी, क्योंकि असं ज़्यादातर पंजाबी बोलने हैं भाई, कार बार सब कुछ जो ना बीवी नाल ही पंजाबी बोली दी। कुछ किस्मत है कि आजकल बीवी हैगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, नमस्ते, बखैर आगले, उम्मीद करता हूँ आपको ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे होंगे। आज बड़े उस्मान भाई की दिल बड़ी कोशिशों के बाद मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, और आज बिना टाइम वेस्ट किए आज हम लोग की वीडियो के टाइटल पे चलते हैं। आज का वीडियो का टाइटल क्या है वो हमें उस्मान भाई बताएंगे। अच्छा जी, तो भाई आज की जो वीडियो है वो है लव इज़ ब्लाइंड, के प्यार अन्ना है। तो ये बात बिल्कुल सच है, हमने देखा हुआ, ये एग्जाम्पल है हमारे साथ, प्यार वाकई अन्ना ही है। ठीक है, नहीं अन्ना है, प्यार अन्ना है, मैं यही कहूँगा प्यार अन्ना है। अच्छा तो दोस्तों, तो आज की जो वीडियो, ये भी हमारे सब्सक्राइबर का डिमांड है, जिसके डिमांडर का नाम है चंदन कुमार मठो है, माठो। ठीक है, तो चंदन कुमार साहब को ही हैं, तो इन्होंने इस वीडियो की डिमांड की है। और इन्होंने क्या डिमांड की थी, सम्राट की पाठशाला पे रिएक्शन दे। तो यार मेरा भाई, सबसे पहले तो तू किधर था यार, इतनी फनी वीडियो तूने क्यों नहीं पहले मांगी, तू किधर बड़ा हुआ था। ठीक है, तो बगैर आप लोगों का टाइम ज़ाया किए, म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सब बाजार की जोखिमों के अधीन होता है, तो इसमें इन्वेस्ट करने से पहले एक बार पूरे दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें और पूरी जानकारी ले लें, धन्यवाद। तो क्या हाल है, अबे तुम तो बोल रहे थे कि लॉकडाउन बड़ा बोरिंग था, अबे जिस हिसाब से रुझान आ रहा है उसे देख के लग नहीं रहा भाई साहब कि बोरिंग था। पहले अपना पांड्या, फिर सैफ अली खान, फिर विराट कोहली, अबे क्या करवा रहे हो भाई साहब, ऐसा चलता रहा ना तो देख लेना अगले साल जनसंख्या दुगनी हो जाएगी। और मुझे ये बात बताओ कि राशि ने चने निकाल कर कुकर को गैस पर क्यों चढ़ा दिया, अगर इस सवाल का जवाब किसी के पास होना तो मुझे कमेंट बॉक्स में। उस टॉपिक की जिसकी वजह से इस सृष्टि का हर एक प्राणी अपने जीवन काल में कभी ना कभी चूतिया जरूर बना है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लव की, लव प्यार इश्क मोहब्बत सम्मोहन संभोग। या ये क्या बोल गए, तो भाई और उनके मोहल्ले की भाभियों, शुरू करते हैं भगवान के नाम लेके। जय पत्रकाली सरकार, जय पत्रकाली। बहुत मजे की वीडियो ये बनाते हैं, बहुत अच्छी। मैं तो पहले देखता था, अभी तो काफी अर्सा हो गया, इसकी वीडियोस मैं नहीं देख रहा। हाँ, तो सबसे पहला प्रश्न जो आता है वो ये आता है कि प्यार आखिर में है क्या। अकॉर्डिंग टू द बॉलीवुड, प्यार दोस्ती है। अजी घंटा मेरा, अबे इसी कॉन्सेप्ट ने तो हमारे देश की जनता बिगाड़ दी। हकीकत तो ये है कि प्यार व्यार जैसा कुछ होता नहीं है, लोग बहन बना के शादी कर लेते हैं। सबसे बात तो ये है कि प्यार व्यार जैसा कुछ होता नहीं है, ये सब तो लड़कियों को चूतिया बना के उनकी फ्री फंड में लेने के तरीके होते हैं। गेम ही चल रहा है, लड़कियाँ पटती है उन्हीं से जो उनका काट के चला जाए। सच्चे आशिक तो ब्लॉक हो जाते हैं। अपनी एग्जाम्पल दे रिसेंटली ब्लॉक हुआ हूँ यार मैं, न जाने कितने सालों बाद तुम्हारे भाई को सच्चा प्यार हुआ था, परंतु यहाँ साल अपनी फीलिंग शेयर करना ही गुनाह हो गया। अबे ब्लॉक मार गई यार, वो बोलती थी कि शादी की बात कौन करता है, अबे तू रिलेशनशिप पे पड़े लौंडो से एक बार शादी की बात करके तो देख ना, सालों को गुप्त रोग लग जाए तो गारंटी दी थी। शादी के नाम पे तो कभी उनकी फैमिली नहीं मानेगी, कभी उनके पड़ोसी नहीं मानेंगे, कभी उनके पड़ोसी के कुत्ते नहीं मानेंगे, पर जब लेने का टाइम आता है ना तो ससुरा कोई मना नहीं करता। जब लेने का टाइम, अरे मिल के हमको पागल बना रहे मादर बच्चे, हमें क्या, जिसकी जो मर्जी आए वो करे, देना है ले, देना है दे। हम तो साले लड़कियों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि हमको चूतिया बनाना नहीं आता ना, और लड़कियों को पसंद ही वो आते हैं जो उनका काट के चला जाए। हम तो अपने लव गुरु के आदर्शों पे चलते हैं भाई साहब, सीधा फंडा है, लड़कियों से सीधा पूछो सेक्स करना चाहता हूं तुम्हारे साथ, या तो हाँ या तो ना। अबे किसी का दिल तो नहीं तोड़ते हम, परंतु बोलते हैं ना कि तुम कितने भी डिजर्विंग हो, कितने भी टैलेंटेड हो, तुमसे बंदी पटेगी नहीं, क्योंकि प्यार तो अंधा होता है, अंधा तो कानून भी होता है वैसे, पर प्यार कुछ ज्यादा ही होता है। ये भी अंधा है, तो मैं इतना सिंगल हो चुका हूँ कि मुझे तो लगता है भगवान ने मेरे लिए सिर्फ एक ही बंदी बनाई है, नसबंदी। भाई लगता है बिनोमो पे ट्रेडिंग कर रहा है, सही पकड़े हैं,
तेरे को कैसे पता? अरे प्रमोशन वीडियो हम भी देखते हैं भाई साहब, बहुत सही है, कुछ फायदा हो रहा है। ऐसे कैसी लग रही है आपको वीडियो? क्यों नहीं हो रहा भाई? अगर बंदा पसंद है, आसान नहीं है ना, तो मुश्किल भी नहीं है। जरा मैं तेरे को दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको एसेट सेलेक्ट करना है, फिर आपको जितने अमाउंट से ट्रेड करना है वो सेलेक्ट करना है, फिर आपको प्रिडिक्ट करना है कि ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे। अगर ग्राफ ऊपर जाएगा तो हमको प्रॉफिट होगा, नहीं जाएगा तो हमको लॉस होगा। इनका इंटरफेस काफी यूजर फ्रेंडली है और रजिस्टर करते ही आपको $1,000 मिल जाएंगे आपके डेमो अकाउंट में, जिससे आप और ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। वाओ, हमें हो चुका है इसमें डिपॉजिट और विड्रॉल काफी इजी है। तो अगर आप भी ट्रेडिंग करने में इंटरेस्ट रखते हैं तो बिनोमो का वैसे फोन इसके पास बहुत अच्छा है। आज हम बात करने वाले थे कुछ ऐसे कपल्स की जिनको देखने के बाद आपके गुप्तांगों का हर एक बार आपसे चीख चीख के सिर्फ एक ही बात बोलेगा। ओबे भाई, ये कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? झटका लगा ना, बहुत बड़ा झटका लगा, मैं तो फंस गया था भाई साहब। इनकी इसी जुगलबंदी को देखकर मेरी प्यार करने की इच्छा शक्ति खत्म हो गई। मैं तो नमन करता हूँ उस देवी को जो ब्लॉक मार के चली गई मुझको। अबे ऐसी बकचोदी कर रहे हैं यार ये लोग। बाला जी मार जाओ। भाई ये कहाँ हो रहा है? आपको साफ-साफ दिखाई देगी भाई साहब, जैसे कि ये लड़की से कुछ कहना चाह रहा हो। दे 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 थोड़ा सा दे दे। अबे ये बकचोदी कर रहे हैं यार ये लोग। देख छोड़ो से दूरक साले। भाई साहब सच बता रहा हूँ, ये सब देख के मुझे बड़ी जलन हो रही है। अबे क्या फायदा यूट्यूबर बनने का? इससे अच्छा तो साला टिकटॉकर ही बन जाता, कम से कम बंदी तो मिलती, एक MMS ही वायरल हो जाता। MMS वायरल अच्छा आप लोग ही मुझे बताओ, जब कोई ऐसी सुंदर मादा आपको अपनी ओर आकर्षित करे और आपके साथ ऐसी हरकतें करे। बालाजी बालाजी बच्ची नु छोड़ो तुसी यार। जो इच्छा उसके मन में तब से पनप रही है जब वो लड़की की फोटो देखकर उस पर नाइस पिक डियर कमेंट करता था। दे 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 थोड़ा सा दे दे। अबे बच्चा पैदा कर दिया यार इन लोगों ने। कॉन्ग्रेचुलेशंस केतन जी, आप पापा बन गए। पापा बन गए? अबे लड़की उठाने में तो उसकी जान निकल जाती है। अरे भाऊ कुछ बोलोगे? तेरा उठता है रे बड़वे। लड़की तो हमको ये भी पसंद है, लेकिन हम चलते हैं फैजल भैया के आदर्शों पर। जब अपने फैजल भैया को लड़की ना मिली तो हमें तो घंटा मिलेगी। लड़की को पसीना आ रहा है, काफी मेहनत लगती है इसको वीडियो बनाने में। देख लीजिए, बन गई मेरी गर्लफ्रेंड। ना करी यार। बताओ जीने के लिए क्या बचा है? सच्चा प्यार जताओ तो नहीं यार उसको। प्यार ना जताओ तो दिक्कत, ऐसे कैसे चलेगा दीदी? भाई साहब जिंदगी से मुझे याद आया, असली मजे तो ये बंदा काट रहा है। ये बंदा पाकिस्तान का है और इसकी बीवी है ना वो किसी देवी से कम नहीं है। अबे जरा खुद ही सुन लो यार। दोनों सहेलियाँ एक ही लड़के से शादी पर खुश है। फिर वो मेरी कजन है, मैंने उसे अपने घर बुलाया मिलने के लिए, क्योंकि हम स्कूल में इकट्ठे पढ़ते थे और हम शुरू से इकट्ठे रह रहे, लेकिन हम एक दूसरे को बगैर नहीं रह सकते थे। जो शादी की जो तैयारी करने से कम बसले जब बुलाया तो फिर मैंने कहा तुम ना जाओ। आगे 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 देखो तो सही कैसे लड्डू फूट रहे हैं। मैं अपनी कजन के बगैर नहीं रह सकती थी, इसलिए मैं अपनी कजन के पास आ गई और मेरी कजन ने ना अपने हस्बैंड के साथ मेरी शादी कर दी और हम ना अभी खुशी से रह रहे हैं। मैं बात करता हूँ सरकार से, सबको ऐसे ही एक एक बीवी देने का बिल पास करवाया जाएगा, जो अपनी सहेली की शादी अपने ही खत्म से करवा दे। एक मिनट अभी जरा दोबारा सुनना। कजन के बगैर नहीं रह सकती थी। इसकी बहन का स्क्वायर रूट मारू, इसकी तो स्क्वायर रूट मारू, तो लेस्बियन निकली। भाई लौंडे का तो गजब का कटाया। यहाँ लौंडे को लग रहा है कि उसका जुगाड़ हो गया, परंतु इस नादान परिंदे को ये नहीं पता है कि लड़की ने अंदर ही अंदर अपना ही जुगाड़ कर लिया है। हंस मत बेटा, कट गया तेरा। ये सब तो हो गई मजाक की बात, सच बताऊ ना यार, आजकल की जो लाइफ स्टाइल चल रही है ना,
उसमें प्यार कहीं ना कहीं मिसिंग हो चुका है, हर कोई लेने देने में लगा हुआ है। खैर इसमें कोई बुराई नहीं है, खूब लो खूब दो, लेकिन जो भी कर रहे हो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ करो। अब तुम लोग सोच रहे हो कि सम्राट भाई क्या ज्ञान पेलने लगे, भाई जो भी बात बता रहा हूँ ना ये सच्ची घटना पे आधारित है। कभी भी किसी की फीलिंग्स के साथ मत खेलो यार, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। आप लोग तो ले दे के निकल जाओगे, आप मूव ऑन कर जाओगे, आपको कोई और मिल जाएगी या मिल जाएगा, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखोगे ना तब आपको एहसास होगा कि यार कितनी बड़ी गलती कर दी आपने। अगर वही सेम चीज अगर आपके साथ हो जाए तो आपको कैसा लगता। और ये लॉजिक सिर्फ प्यार में ही नहीं, हर चीज में लागू होता है। एक कमाल की बात बताता हूँ, जब तुम किसी को सच्चे दिल से चाहते हो ना और वो तुम्हें ना मिले तो सिर्फ तकलीफ होती है, पर अगर तुम्हारा प्यार किसी और से प्यार करे तो कसम से आग लग जाती है। प्यार करना गुनाह हो गया साला आज के टाइम पे, ब्लॉक मार जाती है लड़कियां यार। एनीवे ये स्टोरी कभी और सुनाएंगे। एक काम करते हैं, अगर इस वीडियो पर 200,000 लाइक और इंस्टाग्राम पर मेरे इस मंथ के एंड तक 100,000 फॉलोअर्स हो जाते हैं तो मैं तुम्हारे साथ अपनी लव स्टोरी शेयर करूंगा। बताओ बताओ कैसी रही डील, देखते हैं होता है कि नहीं। मैं भी करता हूं लाइक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो, अगर आप हमारी पाठशाला में नए हो तो सब्सक्राइब करो यार, और अगर आप ट्रेडिंग करने के शौकीन हैं तो आप बिनोमो को ट्राई कर सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज योर बॉय द सम्राट शुक्ला, पीस आउट। एक किस्म ले लो, बहुत अरसे बाद हंसा हूँ किसी वीडियो में और बहुत अच्छा तरीके से यार अगले ने हंसा है। तो सबसे पहले जी प्यार अन्ना होने उसने तो आड़े थे ठीक है, तो तुसी अजे तक ऐसे ठीक है। असा प्यार कीता अलहम्दुलिल्लाह, शादी भी कीती है जी, तुसी कीती है लेकिन छड्डो मती डिस्क्रिप्शन नहीं खोलते। हम लॉकडाउन पे दुबई बैठे हुए थे क्या करे, कोई गल नहीं नो टेंशन, इसी वजह से लंबी छुट्टी आ गया उस्ताद जी, इतनी लंबी छुट्टियां दे रहे हो तुसी। बहरहाल चलो यार वीडियो की बहुत अच्छी थी, अला थी और सबसे लड़के की मेहनत यार, उसको पसीना देखा जैसे। हाँ वो काफी यार मेहनती है, गर्मी में वो वीडियो खड़ा होकर बना रहे और पसीना उसके मतलब के माथे पे जो आया था वो सारा बता रहे वो लड़का कितना मेहनत। तो वो ये भी बात ठीक कर रहा था कि लॉकडाउन जो है बोरिंग नहीं जा रहा। लॉकडाउन में कुछ ना कुछ मिल रहा है, कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो बाकी वीडियो की पूरी वीडियो अच्छी थी। और यार जो ये अभी थोड़ा दिमाग खराब हो रहा है, इतने काले काले लड़के और इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां यार, हमारी किस्मत है क्यों नहीं है। नहीं बालाजी कुछ ना तो कुछ होगा लड़की। अच्छा चल छोड़, लड़की तो है ना यार, बस चलनी चाहिए बाकी तो कोई नहीं। खैर अच्छा जी तो आपके कहने चाहिए नबस नहीं चलनी चाहिए। तो वीडियो बहुत ज़बरदस्त थी, लड़के ने एक प्यार अंदर के बारे में एक अच्छा टॉपिक था उसका, और उसने बड़े एक अच्छे अंदाज से उसने कहना मैं अपनी वीडियो को किया है। दूसरी बात यह है कि जनाब उसने काफ़ी अच्छे कमेंट किए हैं कि एक लड़का और लड़की, उसने काफ़ी अच्छी वीडियो टिकटॉक से मेरे ख्याल से उसने उठाई हुई थी, बड़ी अच्छी वीडियो थी, हमारे सोए अरमान जगा दी है, बड़ी अच्छी वीडियो थी। तो काफ़ी अच्छी क्या नाम है, बाकी ओवरऑल सब कुछ ठीक था। और फिर उस्मान भाई से पूछते हैं उनको क्या अच्छा लगा इसमें, कोई एक मेन पॉइंट कोई बताओ, कोई मेन जिससे आपको सही करके हंसी आई हो। हंसी आई हो? हाँ हंसी 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 मुझे सारी जगह की आई है यार, इतना दे दे, दे दे थोड़ा सा दे दे। और लास्ट मोमेंट जो उसने क्या नाम है थोड़ा लेक्चर दिया कि यार हाँ भी क्या थोड़ा सा ना एक अच्छा पॉइंट भी बता के गए, लेकिन उसने हंसाया ही हमें इतना ज्यादा, हम उस साइड पे जा ही पा रहे साइड पे जा रहे। तो बाकी उस्मान भाई आपको बताएंगे क्या हिसाब था, आपको क्या अच्छा लगा। यार मुझे सारी वीडियो ही अच्छी लगी है, और कोई थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। ये सम्राट की पाठशाला में पहले देखा करता था वीडियो, जब इसके बाल जो है ना इतने इतने लंबे हुआ करते थे। अच्छा। हाँ काफ़ी ये पुराना यूट्यूबर बहुत अच्छी वीडियो सुनाता है, मैं बहुत पहले इसकी वीडियोस देखा करता था, लेकिन अब इतना ज़्यादा इंटरटेन करते ये नहीं था मुझे पता, अब तो काफ़ी ज़्यादा इंटरटेन करने लग पड़ा है लोगों को। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी वीडियो रही, काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। और यार टिकटॉक की वीडियो देख के सोए अरमान जाके, यार सर्दी बहुत ज़्यादा है, मैं चलिया जरा कम किसी ठीक है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो नीचे एक लाइक का बटन आ रहा होगा, काइंडली उसको टच कर लीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जब सब्सक्राइब कर लेंगे उसके साथ आ रहा होगा एक बेल आइकन, प्लीज़ उसको भी
प्रेस कर लें ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, प्लीज बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा, सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा, और किसी भाई की अच्छी सी खूबसूरत सी डिमांड है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, आपके अच्छे और जबरदस्त कमेंट करें और हम लोग आपकी वीडियो पे रिएक्शन देंगे। जैसा ये भी हमारे कुमार साहब की डिमांड थी, तो हम आपकी और भी कोई वीडियोस अगर डिमांड करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगली वीडियो एक और देखनी चाहिए इसकी, मजे की थी इसकी वीडियो। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे फिर किसी दिन, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।